एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित तिलमाची गांव पड़ा। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सत्येंद्र सिंह हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 1100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 410 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 110 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 54 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 14 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। सत्येंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री जवर सिंह, ब्लॉक बहेड़ी, तहसील बहेड़ी, जिला बहेड़ी। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि गांव में शमशान घाट हो जाए, बारात घर, पंचायत घर की भी आवश्यकता है और खरंजे डलवाए हैं हमने लगभग 150 मीटर 50 मीटर एक जगह और डलवाया है, सीसी रोड करवाया 375 मीटर लगभग और नाली और खरंजा और बनने को है। गवर्नमेंट से ये कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए पैसा मिलता रहे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते रहे। हम ठाकुरदास है, गांव तिलमाची में रहता हूँ, विकास खंड बहेड़ी, जनपद बरेली। हमारे गांव के प्रधान श्री सत्येंद्र सिंह गांव में काम कराना चाह रहे हैं और कुछ करवाया भी है, लेकिन आगे जो है सरकार पैसा नहीं दे रही है। पैसा किस वजह से नहीं आ पा रहा है, आगे काम नहीं हो पा रहा है और गाँव का विकास होने के लिए अभी शेष है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिलमाची। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में 114 छात्र छात्राएँ एनरोल्ड हैं, 3 टीचर हैं, 2 सहायक अध्यापक, 1 हेडमास्टर, 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र। और खाना हमारे यहाँ नियमित रूप से मेनू के अकॉर्डिंग बनता है। रोज़ाना बच्चों को पहले साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, उनकी प्लेटें निरीक्षण किया जाता है और खाने के समय सभी टीचर्स उपस्थित होते हैं। उससे पहले खाना बच्चों को देने से पहले सब टीचर्स लोग जो हैं खाने को चेक करते हैं, उसके बाद बच्चों को खाना दिया जाता है, मेनू के अनुसार बनता है।